नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आज हम देखने वाले हैं 500 क्वेश्चन, यानी 5 प्रैक्टिस सेट हम एक ही वीडियो में देखेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये आपका सुपर फास्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा है। तो जितना आप सभी लोग क्वेश्चन को टच करेंगे, जितना आप रिविजन करेंगे, उतना आपका जो डाउट है क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे 5 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में। तो बस आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है फास्ट होने वाला है। बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, ताकि आप सभी लोग का कम समय में रिवीजन अच्छा हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ताकि और भी जो मास्टर वीडियो है मैं ला पाऊँ, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोग का फीडबैक होगा, उसी के हिसाब से मैं मास्टर वीडियो और भी लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला गया है आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो सही कथन देखा जाए तो आपका यहाँ पे तीनों पॉइंट आपका सही दिया गया है कि महारत्न कंपनी का दर्जा जो है उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तीसरा पॉइंट है कि वर्तमान समय में 11 महारत्न कंपनी है। तो आपका जो डी है यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75(4) हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम यहाँ पे सही है, तो देखा जाए तो आपका 3-4-2-1 हो जाएगा। यहाँ पे माउंट एग्यू घोषणा हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा और आपका यहाँ पे खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कहाँ में। इसका जो निर्माण हुआ है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सीनोजोइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि मकासार जल संधि जो है किसे आपस में जोड़ती है। तो ये जो जल संधि है जावा सागर एवं सैलिबीच सागर को जोड़ता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील जो है ये आपका होता है, याद रखेंगे सभी लोग, 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो ये जो आपका होता है भ्रूणपोष होता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका कथन जो है आपका 1 और 2 सही है। पढ़ते हैं, तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है और यह 600 किलोमीटर प्रति गति मतलब प्रति घंटा की गति से उड़ान भरता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा जो है आपका कावेरी को कहा जाता है, ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था। अकाल तख्त का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो काष्ट मैदान कहा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो सही कथन की अगर हम बात करें तो केवल 2 ही हो जाएगा, संसद में स्थगन प्रस्ताव जो है संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर होता है किसके। तो 1 किलोवाट जो है आपका 1.34 के बराबर होता है, हॉर्स पावर यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों से अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवायता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही कथन की अगर हम बात करें तो केवल 1 ही हो जाएगा, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के सदस्य देश कौन से नहीं हैं। इसमें आपका 2 और 5 नहीं है, मलेशिया है और अफगानिस्तान जो है, ये दोनों आपका नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे पड़ जाता है। संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, कौन प्रस्तुत करवाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था। तो ये जो करवाया गया था, याद रखेंगे, विलियम डेरेजियो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। देखिए फुलहर झील के बारे में पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि तुम्माल तुम्माल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान यहाँ पर गलत दिया गया है? तो गलत की अगर हम बात करें तो आपका जो लीबिया है गीतेगा, यही आपका गलत है। जो आपका सही उसको हम देख लेते हैं। सोमालिया आपका जो दिया गया है मोगाडिगू सही है, जाम्बिया आपका लुसाका सही है, तंजानिया आपका डोडोमा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलकर समिति का संबंध जो है किससे था? तो केलकर समिति जो है ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारापूरण हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगवाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एलन बरो, एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया था किसने? तो ये विभाजित किया था 1960 में, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि कथन ए आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और करण आर बोल रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो 25 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। बोला गया किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो गलत की अगर हम बात करें तो आपका रेलवे आयोग जो है आपका टॉमस रेल, यही आपका गलत है। बाकी आपका सिंचाई आयोग जो है आपका कॉलिन स्कॉट सही दिया गया है, पुलिस आयोग जो है आपका एंड्रयू फ्रेजर सही दिया गया है, अकाल आयोग जो है आपका एटनी मैटकॉनल यानी मैकडोनल्ड, ये आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में होने वाली बीमारी मेनिनजाइटिस, जो आपका मेनिनजाइटिस है इसका कारण होता है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो 28 का उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु के कारण ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताएं। तो सही कथन आपका एक और दो हो जाएगा। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, और ऑप्शन जो आपका पॉइंट टू बोला गया है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद है, देखिए मंत्रिपरिषद जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट से बड़ा निकाय है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। बोला गया है कि पैम्पीरो नामक शीतल हवाएं किस देश में बहती हैं? तो ये जो बहती हैं याद रखेंगे, 32 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 33 कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है ये आपका अधिक होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश आवेग होती है? तो ऋणात्मक आवेग जो है ये आपका ऑप्शन बी हो जाए यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? तो रिक्त कारक की अगर हम बात करें तो ये आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, आपका क्लोरो फ्लोरोकार्बन हेलांस हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये जो बराबर होता है सार्वजनिक ऋण हो जाएगा, ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया। जो सही है उसको हम देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये भी आपका सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए तभी आपका यहाँ पे सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है? तो गलत आपका एक ही दिया गया कि भारत सेवक समाज की जो स्थापना है मदन मोहन मालवीय ने किया था, यही आपका गलत है। देखिए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, सही है। 19वीं सदी की महानतम पारसी सुधारक जो है आपका बहराम जी एम मालावारी थे, सही है। कर्म योग राजयोग नामक पुस्तिकाएं स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, तो ये भी आपका सही है।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान द्वारा मतदान की आयु सीमा जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सैंडो कोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिन। अगला है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। तो ये आपका दिया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया जाता है। तो ये आपका जारी किया जाता है, आपका कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था। तो 44 का उत्तर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्नलिखित नामों में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें वह ऊपर देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि वह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताएं। तो 45 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2314 यानी मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, उसके बाद आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा, पहला आपका चंगेज खां, फिर आपका तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। देखिए संवैधानिक निकाय की अगर हम बात करें तो आपका केवल एक ही हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूची जनजातीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पार्थेनोक्रॉपी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बोला गया है कि चीली सीरा किसका सामान्य नाम है। तो किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट। किसका मिलान गलत है, तो इसका हो जाएगा कुदनकुलम जो परमाणु विद्युत गृह है, ये आपका केरल, यही आपका गलत है। बाकी आपका नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश सही है, तारापुर आपका महाराष्ट्र सही है, और काकरापारा परमाणु विद्युत गृह जो है आपका गुजरात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सहगोरा जो है आपका हड़प्पा स्थल के अंतर्गत नहीं आता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपका दोवां हो जाएगा और 13वां हो जाएगा। तो यही आपका जो इसमें शिलालेख शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर, बोला गया है कि भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था। तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग है ये आपका हेरोडोटस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित है। तो सही सुमिलित की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। एक सेकेंड, इसमें दिक्कत क्या आ गया, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 56 का देखिए आपका हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपका 56 का ऑप्शन आपका डी बता हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हो जाएगा और 1824 से 26 के बीच में आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 नंबर, बोला गया है कि इसमें आपका कूट के हिसाब से आंसर बताना है 57 का, तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी शिशुपालगढ़ जो है आपका हो जाएगा इसमें तीसरे में उड़ीसा हो जाएगा, पिपरहवा जो है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गोलपाड़ा जो है ये आपका हो जाएगा असम, और विष्णुपुर जो है ये आपका हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था। तो ये कौन बना था, याद रखेंगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोडेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान सबसे अंतिम संधि पूछा गया है। तो सबसे अंतिम संधि की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कानपुर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजातीय का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी खोंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, बोला गया कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दिया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम के गांधी समर्थक थे किसके। तो एम के गांधी जो थे ये आपका दार्शनिक अराज
यानी अराजकतावाद के यहाँ पे समर्थक थे, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मात्रा जो है आपका किसका एक इकाई है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो 64 का उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर का। अगला है कि एस्परजिलियस का उपयोग जो है किसके बनाने में होता है, तो इसका जो उपयोग है याद रखेंगे सभी लोग, ये आपका हो जाएगा पनीर, यानी ऑप्शन सी। यानी संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो मेघालय क्षेत्र जो है ये आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है कहाँ से, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है, 68 का अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो ये किसके होता है, तो ये आपका संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, ये जो उदाहरण है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी यानी अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका स्थित है म्यांमार में स्थित है। नाभिक का आकार कितना होता है, देखिए नाभिक का देखा जाए तो आपका 10^-15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की माई लाइफ इन फल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो ये जो लिखा गया पुस्तक है इंदिरा नुई का हो जाएगा। अगला है कि एगार एगार किससे तैयार होता है, एगार एगार जो है आपका शैवाल से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील की अगर हम बात करें तो 76 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोडाइकनाल हो जाएगा, कोडाइकनाल तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है याद रखेंगे आपका पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 3, यानी नायक समिति हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति हो जाएगा, कार्य समिति हो जाएगा और SS कोहली समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, तो गाय की एक नस्ल कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो जो राइनो है ये आपका काजीरंगा के लिए जाना जाता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वृष्टि हो जाएगा। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत मूर्ति कोयले से होती है, 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 67। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गालजी काय का प्रमुख कार्य क्या है, गालजी काय का प्रमुख कार्य देखा जाए तो आपका स्त्रावी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन करता है, देखिए आनुवांशिक उत्परिवर्तन करता है तो माफ कीजिएगा 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी क्रोमोसोम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग को 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, हम सभी लोग देख लेते हैं इसमें, देखिए ये सिर्फ फास्ट रिविजन के लिए ही बनाया गया है, इसमें मैथ नहीं ऐड किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा NH17। अगला है कि निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, निसी जनजाति जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में, यहाँ पे देखिए 11 होना चाहिए था, 11 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, दूसरा स्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम के पास है, किसके पास, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो इसमें आपका मात्रक होता है गॉस, यानी गैस होना चाहिए था यहाँ पे। 1 किलोवाट घंटा का मान पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 × 10^6 जूल,
देखिए इसमें क्या है ना कि ये सेट अपने से बनाया गया है, तो इसमें क्या है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप सभी लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। और इसमें क्या है कि एकाध दो क्वेश्चन आंसर भी मिस्टेक हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, सभी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा, एकाध दो क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, हमसे मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी आंसर को चेक नहीं किया है। जैसे आंसर लिखा गया मैं आपको आंसर सेम बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, जितना मैं आपको रिविज़न करा रहा हूँ बस आप रिविज़न कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रखा गया है या फिर क्या कर दिया गया है, तो आपका राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला है कि निम्न प्रजातियों में से कौन दांत वाली वेलो में विशालतम है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्म वेल हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा, आपका अवरक्त किरणें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आई एन एस कलवरी है तो 86 का माफ कीजिएगा 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, आगे देखेंगे सद्भावना दिवस मनाया जाता है, देखिए सद्भावना दिवस जो है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु में होता है, देखिए एड्स विषाणु में देखा जाए तो आपका आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। भारत में वर्तमान में कितने वर्ष रहने पर नागरिकता दी जाती है या फिर दी जाएगी, तो आपका हो जाएगा 5 साल, यानी ऑप्शन सी। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका बिहार दरोगा का सेट 2 देखेंगे। आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे 5 अप्रैल 2022 को ये आपका सेट लगाया गया, सभी लोग सेट लगाए हैं, तो आप भी रिविज़न कीजिए, फास्ट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था, शिवाजी ने सूरत को देखा जाए तो आपका 1964 में लूटा था और 1670 में लूटा था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है संविधान में किस अनुच्छेद में उपबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 330। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो यह आपका नहीं गुजरता है बोत्सवाना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसमें पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यही आपका कारण नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का मिलान करके बताइए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अवध का देखा जाए तो आपका शहादत खां हो जाएगा और हैदराबाद का हो जाएगा आपका चिनकलिस खां, और बंगाल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, और कर्नाटक का आपका हो जाएगा सदुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन गो बैंक के बैग के बारे में नारे का निर्माण जो है किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, यही आपका शामिल नहीं है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो यह आपका हो जाएगा लिथियम एवं आस्मियम। यानी विभाज ये तक उत्तरदायी होता है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित कौन सा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसने किया था, तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन है याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ए इसका उत्तर हो जाएगा। संसद के समितियों के सदस्य पूछा गया है, संसद के समितियों का सदस्य आपका हो जाएगा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्य के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश का अवरोही क्रम आपका कौन सा सही है, तो देखा जाए तो आपका कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अग्नि निर्जा रोग जो है किससे संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है सेब से है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
अगला है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है। अगर गलत की बात करें तो ऑप्शन आपका बी गलत है, सही उसको हम देख लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि सही है। तृतीय आंग्ल मराठा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका पांडिचेरी की संधि सही दिया गया है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका पेरिस की संधि, ये पे आपका सही है। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था आपका कौन सा, तो ये आपका केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा लिमोनाइट जो है आपका मैग्नीशियम, यह मैग्नीज यही आपका गलत है। क्राइलाइट आपका एल्यूमिनियम सही है। डोलोमाइट आपका कैल्शियम। हार्न सिल्वर जो है आपका सिल्वर सही हो जाएगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ यही होता है आपका अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला है कि रामोसी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो 22 का हम देख लेते हैं इसमें आपका क्या पॉइंट बोल रहा है। देखिए 22 का आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑप्शन सी एक और दो। तो देखिए इसमें आपका दो पॉइंट बोला है कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है आपके चित्तर सिंह थे, और पहला पॉइंट आपका है कि यह विद्रोह जो है 1822 से लेकर के 29 के बीच भारत के पश्चिमी घाट में यानी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है यानी गलत कौन सा है। देखिए 23 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो ए इसका जो है उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा यही आपका गलत है। बाकी आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। चलिए भाई कई बार इसमें मिस्टेक हो जा रहा है, चलिए देखेंगे 24 इसमें आपका बोला है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो 24 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया था और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था। आगे देखेंगे किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, तो 25 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हैती जो है आपका फोर्ट डे फ्रांस जो आपका फ्रांस यही आपका गलत है। बाकी आप कल प्लूटोरिको जो है आपका सान जुआन सही है। अल सलवाडोर जो है आपका सान सलवाडोर सही है। और निकारा गुआ जो है आपका माना गुआ ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, सही कथन के बारे में आपको बताना है, तो चलिए बता सकते हैं आप सभी लोग। तो 26 का उत्तर आपका क्या होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, यानी जिस व्यक्ति का ब्लू यानी ब्लड ग्रुप जो है वो होता है उसमें एंटीजन के अनुपस्थिति होती है, सही है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, 27 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम 24 थायराइड ग्रंथि, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकती है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है 29 नंबर की निम्नलिखित यानी निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 29 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में देखते हैं क्या दिया गया है, सी में आपका दिया गया है 1, 2, 4 पढ़ लेते हैं। मुगल बादशाह फरुख सिहर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया था और 1798 और 99 के बीच में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना था। चौथा है कि 1809 में चार्ल्स मेटकॉप और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। अगला है किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था, तो आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां ने समाप्त किया था। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के काल में नहीं हुआ था, तो 33 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह नियम स्वतंत्र रूप से लागू, यही आपका नहीं हुआ था। बाकी आपका तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मिलिट्री स्थानांतरित हुआ था, वुड यानी वुड डिस्पैच हुआ था, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपका कौन सा है। तो देखा जाए तो 34 का आपका उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण जो है आपका अनुच्छेद 243, यही आपका गलत है। धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, समान नागरिक जो आपका संहिता है अनुच्छेद 44 सही है। अगला कि फ्लोरिडा जलसंधि किन दो सागरों या फिर महासागरों को जोड़ती है, तो 35 का उत्तर आपका हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को उसके काल क्रमानुसार या फिर क्रमानुसार के हिसाब से आपको सजाना है, तो 36 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और आपका चंद्रशेखर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर चौथा जो है आपका पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से नहीं होती है, तो विषाणु से नहीं होता है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है, कौन सा एक गलत है, तो गलत की अगर हम बात करें तो आपका राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यही आपका गलत है। बाकी आपका आपातकालीन शक्ति सही है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति सही है और आपका राष्ट्रपति इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें आपका बोला गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं आपका 39 क्या बोल रहा है, बोला कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो संबंध है किससे है, तो ये जो इसका संबंध है आपका हो जाएगा शेयर बाजार से। नेक्स्ट है कि कौन सा तंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पेरिस्कोप, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही कथन की बात करें तो 1, 2, 3 हो जाएगा, अनुशीलन समिति का गठन जो है बंगाल में पी मिश्रा ने किया था सही है, अभिनव भारत नामक संस्था का गठन जो है महाराष्ट्र में बी डी सावरकर ने 1904 में किया था सही है, बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका का प्रकाशन जो है मराठी भाषा में करता था, तो ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है, तो अगर हम गलत की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, जो सही उसको हम देख लेंगे। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, सही है। रबर कार्बन डाई सल्फर में घुल जाता है, रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। आगे देखेंगे, बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसकी स्थापना 1946 में किया गया था, इसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड यानी हेग में है, न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है जिसका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिया गया कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सही की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4, विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, और चौथा है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। अगला है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, गलत की अगर हम बात करें तो आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन जो है आपका 352, यही आपका गलत है। धर्म विधेयक 110 सही है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपका 124 सही है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो है आपका 214, ये भी आपका सही है। मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि आपका रिविजन जो है फास्ट हो पाए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 317 यानी 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे मिलान करके बताना है, अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है, एक तरफ आपका मुख्यालय दिया गया है, तो 48 की अगर हम बात करें तो आपका ए हो जाएगा, यानी नाटो का आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स, और UNCTAD का देखा जाए तो आपका हो जाएगा जेनेवा, ओपेक का आपका हो जाएगा वियना, और यूनिसेफ का आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाएँ, तो 49 का उत्तर आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी आपका यहाँ पे बंग भंग आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, फिर आपका बारदूली सत्याग्रह, फिर आपका भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, कथन ए बोला है कि महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है, कारण आर बोला है कि महान्यायवादी न तो संसद सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो 50 का उत्तर जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, कथन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्ट करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, गलत कौन सा है, तो गलत आपका हो जाएगा दीन ए इलाही की स्थापना जो है 1583, यही आपका गलत है। बाकी आपका दास प्रथा का जो अंत है 1562 सही है,
इबादत खाने का जो स्थापना है 1575 सही है, मजहर की घोषणा जो है 1579 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, गलत कौन सा है, तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सरंजामी प्रथा जो है मुगल भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित, यही आपका गलत है। पेशवा प्रधानमंत्री सही है, सरी ए नौबत जो है आपका सेनापति सही है, अमान जो है आपका राजस्व मंत्री से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो 53 का उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा, एक और दो सही है, यानी अकबर ने विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा के जहांगीर प्रदान किया था सही है, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है यानी गलत कौन सा है, तो 54 का आपका हो जाएगा बीदर जो है मलिक अहमद, यही आपका गलत है। बाकी आपका बीजापुर जो है यूसुफ आदिल शाह सही है, परार जो है आपका फतेहउल्ला इबादत खां सही है, गोलकुंडा जो है आपका कुली कुतुब शाह, ये भी आपका सही है। अगला है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो ये आपका 55 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एफ जी बेंटिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत किया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपत्तीय की प्रथा मानती है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4, यानी आपका यहाँ पे जौनसारी हो जाएगा और चौथा आपका है टोडा हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य को चुन करके बताइए, तो 58 का उत्तर आपका हो जाएगा न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का जो प्रदेश है ये आपका सिक्किम हो जाएगा, यही आपका गलत दिया गया है, असत्य यानी गलत है। बाकी आपका सर्वाधिक नगरीय जो आपका राज्य है गोवा है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो है आपका जो प्रदेश है महाराष्ट्र है, अधिकतम घनत्व वाली जो है आपका जनसंख्या उत्तर जो आपका यहाँ पे माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का जो प्रदेश है ये आपका दिल्ली है। अगला है कि भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया था, तो ये आपका अपनाया था 2000 ईस्वी में। अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के मौजूदगी के कारण होती है। दूसरा है कि जल में स्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, तो दोनों में से पूछा कौन सही है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा एक और दो, दोनों यहाँ पे सही दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो 61 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापार कर का विभाजन, यही आपका कार्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है कौन, तो यह आपका करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, तो यह आपका किया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो 64 का हो जाएगा आपका केंद्रीय गृह मंत्री होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है, तो ये किसे देता है याद रखिएगा राज्यपाल को देता है, आप सब लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल बाधित है, तो 66 का हो जाएगा आपका 1, 2, 4 यानी अफगानिस्तान हंगरी, चौथा आपका है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि ग्वादर पतन किस देश में है, तो ये आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा रूस जो रूप है बकमिस्टर फुलरीन का एक सेकेंड आगे देखते हैं, फुलरीन का एक अवरूप है, तो इसका आंसर आपका 68 का हो जाएगा आपका कार्बन का। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसमें अणु की अगर हम बात करें, तो ये आपका हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी अत्यधिक ध्रुवीय है। अगला है किसमें राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य को चुने पुस्तक और लेखक दिया गया है, तो 71 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका गलत है, जो सही है उसको देखेंगे। आपका मनुचरित जो है आपका अल्लाह सनी पेस्तरा हो जाएगा, पारिजात आपका जो दिया गया है नंदी तिमैया हो जाएगा, पांडुरंग महामल जो महामत्य जो दिया गया है आपका नेताली राम तेनाली राम आपकी जगह तेनाली राम रामकृष्ण हो जाएगा। आगे क्या है कि भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का अवरोही क्रम पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, तो 73 का जो उत्तर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है,
तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फूलकली का, फूलकली। नेक्स्ट इसमें आपका योजना और प्रारंभ पूछा गया है कब कैसे हुआ था, तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आम आदमी बीमा योजना जो है आपका हो जाएगा 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है ये आपका हो जाएगा 2021, प्रधानमंत्री जल आयोग जो आपका योजना है ये आपका हो जाएगा 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये आपका हो जाएगा 2016 में। आगे देखेंगे, अगला है इसमें आपका बोला गया कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारित भारत के राष्ट्रपति करता है, और आपका बोला है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो 76 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी हमें आपका यहाँ पे जो है ए गलत है, आर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल जो ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, यानी सही सुमिलित नहीं है, गलत आपका कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बजरंग पुनिया जो है रजत पद, यही आपका गलत है। पीवी सिंधु जो है आपका कांस्य पदक सही है, मीराबाई चानू आपका रजत पदक सही है, नीरज चोपड़ा जो है आपका गोल्ड जो आपका यानी गोल्ड मेडल ये आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, तो 79 का जो है आपका उत्तर हो जाएगा भारती और मैत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष यानी वृक्षभ जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, तो 80 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यूकेलिप्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, इसका उत्तर आपका हो जाएगा एम ए अंसारी, बाकी आपका मुजफ्फर अहमद हो जाएगा, शौकत असमानी हो जाएगा, नलिनी गुप्ता, ये सब आपका शामिल था। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो 82 का आपका हो जाएगा कुक्स कांच। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पी सी होता समिति का गठन वर्ष किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपका 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे CPR दिया गया है, मिलान करके बताना है, तो 84 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 84 का यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, मिलान कर लेते हैं। गार्डन रिज जो है आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान CPR आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मझगांव डाक जो है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, जो आपका बचता है कोचिन CPR आपका हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनविनिकृत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। गलत कथन को चुने, गलत कथन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान जो है आपका पार्श्वनाथ चोटी, यही आपका गलत दिया गया है, बाकी आपका तमिलनाडु आपका डोडा बेटा चोटी सही है, नागालैंड जो है आपका सारावाती चोटी सही है, मध्य प्रदेश आपका धूपगढ़ चोटी सही है। अगला है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न होती है, तो ये आपका उत्पन्न होता है क्योटो प्रोटोकॉल से। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन ठंडी धाराएं हैं, तो 89 का जो उत्तर है आपका बी हो जाएगा 2 और 3, यानी कैलिफोर्निया हो जाएगा और फॉकलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था, तो ये आपका किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे झील कौन सी है, तो खारे पानी की आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का जो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, तो कौन नहीं था यही आपका पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं था या फिर नहीं है, तो 94 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जोंक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, मिलान करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं, इसका हो जाएगा। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि जो है आपका हरित क्रांति हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन जो है आपका श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन जो है आपका हो जाएगा नीली, और उर्वरक जो है आपका हो जाएगा भूरी क्रांति। आगे आपका बोला गया है कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये आपका जापान में है। फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अल्वियोलाई हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो
तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल। चलिए अब हम यहाँ से सेट नंबर 3 देखेंगे, और ये सेट कब हुआ था तो यहाँ पे आपको डेट भी दिखाई दे रहा होगा आपका, 6 अप्रैल 2022 को ये सेट हुआ था। तो चलिए हम इसको फास्ट रिविजन कर लेते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही कथन की बात करें तो आपका केवल दो ही हो जाएगा, वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये आपका सही है। अगला प्रश्न क्या, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पे, तो ये आपका था अहिक्षत्र में, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंग्रेज तथा मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों में से किसका मिलान गलत है, तो किसका मिलान गलत है, तो आपका साला बाई की संधि जो है आपका 1779 जो है आपका गलत दिया गया है, बाकी आपका सूरत की संधि जो है 1775 सही है, सुरंदर की संधि जो है आपका 1776 सही है, और देवगांव की संधि जो है आपका 1803 सही है। अगला है कि माइटोकांड्रिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अल्टमैन तथा ब्राउन ने मिलकर इसका नामकरण किया था, यही आपका गलत है, बाकी इसमें डीएनए विद्यमान रहता सही है, उसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे कोशिका का शक्ति केंद्र तथा कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अगला है कि आकार के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम सही है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो 7 का उत्तर आपका हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो यह आपका अनिवार्य एक लक्षण है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही कथन आपका है 1 और 2, यानी अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय ने काल में किया था, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था आपका मोहम्मद शाह था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है चला जाएगा संपूर्ण विधि, इस्पात आपका हो जाएगा बेसिमर विधि, सोडियम डाइऑक्साइड जो है ये आपका हो जाएगा किसमें, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ले ब्लॉक प्रक्रम हो जाएगा, अमोनिया जो है ये आपका हो जाएगा हॉबर प्रक्रम, ठीक है। चलिए अगला है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, तो गलत की बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 55 यही आपका गलत है, बाकी आपका राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 सही है, राष्ट्रपति में महाभियोग अनुच्छेद 61 सही है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 यहाँ पे सही है। अगला कि बुढ़ापे में पूछा गया कि बुढ़ापे में दूरदृष्टियाँ वह खराबी होती हैं जिसमें लेंस की बात करें तो ये आपका बहुत अधिक छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, तो 13 का उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे आपका विज्ञानेश्वर हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा, और चौथा आपका है जीमूतवाहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका सी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो सही आपका जो है आपका 1 और 2, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रेंको कैरो के द्वारा सूरत में खोला गया था, सर टॉमस रो सम्राट जेम्स वन का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो 15 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु, यानी सॉरी माफ कीजिएगा विषाणु हो जाएगा। किस मंडल में मूलाभ मेघों का निर्माण होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्टेटोस्फीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये छीना था आपका हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है याद रखिएगा ट्रेजरी बिल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वारन हेस्टिंग के समय कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था, तो कौन सा नहीं हुआ था, तो ऑप्शन आपका डी जो है नहीं हुआ था, तो जो सही है उसको देखेंगे। इसके समय में राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया गया था सही है, इसने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए को वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितने प्रतिशत होता है, तो 20 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा 65% आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही की बात करें तो 1, 2, 3 जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है, देख लेते हैं। 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, और बजट पर
पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार जो है मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया था। अगला प्रश्न है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है। गलत की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कटहल भ्रूणपोष, यही आपका गलत है। देखिए आम आपका मध्य भारलाभित्ति सही है, अनास आपका परिदल पुंज सही है, केला जो है आपका अंतर्भित्ति यहाँ पे सही दिया गया है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था। तो 23 का उत्तर आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड मेयो, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3 पाइका विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे आपके बख्शी जगबंधु थे। अगला है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनता है। तो कौन सा स्थिति नहीं बनता है, तो ये आपका देखा जाए तो उस पर कोई बल का कार्य नहीं करता, यही आपका नहीं बनता है। अगला है किसका मिलान यहाँ पे गलत है, ज्वालामुखी और देश दिया गया है। तो 26 का देखा जाए तो ऑप्शन सी गलत है। देखिए जो सही उसको हम देखेंगे, विसुवियस जो है आपका भूमध्य सागर सही है, पोपा आपका म्यांमार सही है, और कोह सुल्तान जो है आपका ईरान सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोल्हापुर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण पूछा गया है, तो 28 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, यानी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है किसका मिलान यहाँ पे सही है। 29 का देखा जाए तो आपका सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा 1, 2, 4 यानी वेद समाज जो है आपका यहाँ पे आचार्य केशव चंद्र सही है। वेद देव समाज की बात करें तो यहाँ पे विश्व नारायण अग्निहोत्री सही है। चौथा आपका हिंद महासभा जो है आपका मदन मोहन मालवीय सही है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 31 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3 यानी राज्यसभा के सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला है किसका मिलान यहाँ पे गलत है, रोग और कवक दिया गया है। तो 32 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यही आपका गलत है। जो सही उसको देखेंगे, दमा जो है आपका एस्परजिलियस सही है, खाज आपका एकेडस सही है यहाँ पे, यानी एकेरस सही है, एथलीट फूड जो है आपका टीनिया सही है। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। इसमें आपका बोला गया निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए आपका बोला है कि लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। कारण आर बोला है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो 33 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है कि बोल रहा है कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था। तो ये आपका सम्मानित किया गया था 1915 में। परम शून्य ताप होता है, तो देखिए परम शून्य जो ताप होता है याद रखिएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस बोल सकते हैं। किसका मिलान यहाँ पे गलत है, रेगिस्तान और संबंधित देश। तो 36 का उत्तर आपका बी गलत है। यहाँ पे गोभी जो है आपका मंगोलिया सही है, टकला मकान आपका चीन सही है, दस्त ए लूट जो है आपका ईरान सही है। अगला कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करता है। तो 37 का जो है आपका विधायिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को किसानों की सम्मिलित किया जाता है। तो 38 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर तक। अगला है बोला गया कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे थे सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे ये आपका चित्रंजन दास थे। आगे देखेंगे बोला गया कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो 40 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किसका मिलान यहाँ पे सही दिया गया है। तो 41 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 देख लेते हैं। 101वां संशोधन जो है आपका वस्तु एवं सेवा कर से है, और जो तीसरा आपका यहाँ पे बोला गया कि 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण से है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो 42 का उत्तर आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला प्रश्न क्या है कि भगत सिंह किस केस में मौत की सजा सुनाई गया था।
तो 43 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंडर्स की हत्या के केस में। अगला प्रश्न है कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में भू सनती सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका दिया गया था, याद रखिएगा, आपका कोबर हो जाएगा। अगला है कि ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3। इसका जो संगठन का गठन है 2009 में किया गया था। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था। अगला है मिलान करके बताना है, तो हम इसका ऊपर देख लेते हैं, इसमें आपका मिलान करके बताना है, देख लेते हैं। ये 46 का है, तो 46 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा श्वेत क्रांति जो है आपका चतुर्थ हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन आपका हो जाएगा पंचम, उद्योग का विकास जो है ये आपका हो जाएगा द्वितीय, और मानव संसाधन का विकास जो है ये आपका हो जाएगा आठवीं में। अगला है कि इसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है 47 का, तो देख लेते हैं। सी आपका गदर पार्टी 1907, यही आपका गलत है। बाकी आपका फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका 1939 सही है, स्वराज पार्टी आपका 1923 सही है, होम रूल लीग जो है आपका 1916 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो 48 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 134, एक को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो 49 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। वित्तीय आपात की घोषणा जो है 60 दिन के भीतर संसद की स्वीकृत प्रस्ताव करना आवश्यक है। आगे देखेंगे किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, संस्थान का नाम और स्थिति दिया गया, तो 50 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा नाभिकीय ईंधन परिषद, यही आपका गलत है, जो सही उसको देखेंगे। परमाणु पदार्थ निदेशालय जो है आपका हैदराबाद सही है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड आपका जयगोड़ा सही है। नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका मुंबई सही है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से लोन से कारण पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय शैल नहीं है, तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डोलोमाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा आपका कार्बन ट्रेटा क्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो रक्षात्मक जो है आपका विटामिन को कहा जाता है। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है आपका न्यूनतम होता है, तो देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 55 का जो उत्तर है ऑप्शन आपका हो जाएगा बुध का। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, गलत कौन सा है, तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है, तो 57 का जो उत्तर है ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रीलंका से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बोला है कि जब पानी जमता है तो बर्फ में बदल जाता है, इसका आयतन पूछा गया है, तो 58 का उत्तर जो है आप सभी लोग याद रखेंगे आपका बढ़ता है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है घटता है, 58 का उत्तर जो है यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है कि पेडिंग यानी पेडंग जो है पेडंग की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा मानता है, तो ये आपका हो जाएगा टोडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटा था, तो सबसे पहले घटना आपका घटा था दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। अगला है मिलान करके बताना है, सुमिलित करके बताना है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो कटक जो है आपका हो जाएगा शिक्षा, लुधियाना आपका हो जाएगा सतलज, नासिक आपका हो जाएगा गोदावरी, उज्जैन आपका हो जाएगा महानदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था अगस्त 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के लिए कार्य करता है, तो 65 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा प्राकलन समिति हो जाएगा। गलत लिखा है, गलत पढ़ भी रहे हैं हम, जो कि समिति होना चाहिए था, सीमित लिखा गया है। अगला कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला 1944 में किसने बनाया था, तो ये जो बनाया गया था आप सभी लोग याद रखिएगा,
66 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगोपालाचारी ने। अगला है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका। देखिए मुक्त पतन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है। तो 68 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, देख लेते हैं क्या होगा। देखिए भारत मित्र जो है ये आपका हो जाएगा हिंदी, राष्ट्रमत आपका हो जाएगा मराठी, और प्रजा मित्र की बात करें तो ये आपका हो जाएगा गुजराती, नायक आपका हो जाएगा बांग्ला। अगला है कि लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता का नहीं है। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 के बीच में परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये आपका देखा जाए तो उत्तर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचला भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। 75 का हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो अलुपुरम जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, अंगुल आपका हो जाएगा एक सेकेंड, देखिए अलुपुरम जो है ये आपका हो जाएगा दूसरे में केरल में हो जाएगा, अंगुल जो है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, बेलगांव जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, कोरबा जो है ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीकी में एक विषाणु रोग प्रकोप है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रहा है, ऋणात्मक रहा है तो ये आपका 2014 से 2015 के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सोनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, सेनिया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस नदी की घाटी गहरी खड़क भूमि के लिए विख्यात है, तो 79 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहु औषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है यानी किसके MDT, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कोड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो ये आपका दिया गया था आइंस्टीन ने। अगला है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है, तो 82 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा BA, प्रथम यानी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1975 में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो 85 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। अगला है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले आपका किया था मेगास्थनीज ने। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है, तो 87 का देख लेते हैं हम। देखिए इसमें आपका जो इसरो है आपका हो जाएगा बेंगलुरु, IUCA आपका हो जाएगा पुणे, IUAC जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 87 का देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में, और जो VSSC जो है ये आपका हो जाएगा किस में, ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। आगे क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, विटामिन और प्रमुख स्रोत, तो 88 का आपका हो जाएगा विटामिन B2 आपका यही आपका गलत है। अगला है कि मेंडल ने मटर पर किए गए यानी किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो 89 का आपका हो जाएगा आपका बीज का रंग इसमें आपका नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, तो 90 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका जो उत्तर है बी सही हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजा था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1920 में यानी 1920 में। कौन से कंप्यूटर जेनरेशन पीढ़ी यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जलविद्युत परियोजना है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दीक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था, तो ये आपका किया था KC राव ने, यानी 95 का जो उत्तर है आपका डी हो जाएगा।
1791 ईस्वी महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ओलंप दे गुच के द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बदगा। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र आपका स्थित है, तो 98 का उत्तर आपका हो जाएगा हिमालय और कक्ष के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया था गुर्जरों को? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है, तो आपको पता होगा डॉल्फिन ही होगा। चलिए अब सेट नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए, ये आपका सेट नंबर 4 है। ये आपका कब सेट हुआ था ये भी हम इसका डेट देख लेते हैं। ये आपका 6 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो चलिए हम इसको फास्ट इसको भी देख लेते हैं। देखिए, बोला गया कि शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखिए बोला क्या गया कि विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। तो पहला का जो उत्तर यहाँ पे है 10 नवंबर दिया गया है, इसका आंसर जो है आपका सी दिया गया है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किसका मिलान यहाँ पे गलत है? किसका मिलान गलत है? तो आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है आपका लॉर्ड एलन बरो जो है यही आपका गलत दिया गया है। तो बाकी जो सही उसको हम देख लेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आपका लॉर्ड यानी हेमस्टर सही दिया गया है। प्रथम आंग्ल अफगाना युद्ध जो है आपका देखा है तो लॉर्ड ऑकलैंड सही दिया गया है। और यहाँ पे आंग्ल नेपाल युद्ध जो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग जो आपका सही दिया गया है। अगला, कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा को शून्य हो जाती है, ये आपका कण नहीं बनता है। अगला प्रश्न क्या बोला है कि ब्रह्मोस के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही को देख लेते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो सही की अगर हम बात करें तो इनमें से आपका कोई भी नहीं आपका इसमें कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? तो ये आपका हो जाएगा रिया तट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो आपका पर्यटन मंत्री जो है आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यही आपका गलत है। बाकी आपका पंचायत राज मंत्री आपका गिरिराज सिंह सही है। खेल मंत्री आपका अनुराग ठाकुर सही है। जलवायु मंत्री आपका भूपेंद्र यादव सही है। अगला है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथों को किस गुरु ने वर्तमान रूप में दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, सी दिया गया है। सी में आपका यहाँ पे दिया गया है गुरु गोविंद सिंह। अगला है आपका 10 नंबर, बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 हो जाएगा, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है। अगला है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो यह आपका किया गया था 12 मई 2020 को। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या फिर किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अगला है कि ल्यूकीमिया का उपचार में किस धातु के समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान आपको यहाँ पे करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसको अच्छे से। देखिए, चेचक का टीका जो है आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, बीसीजी का टीका जो है आपका यूरी कॉलमेट हो जाएगा, रेबीज का टीका आपका लुई पाश्चर, और पोलियो का जो वैक्सीन है ये आपका हो जाएगा जान साल को हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि सिस्ट किस चट्टान का कायांत्रिक रूप है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट। नेशनल पेपर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आपका हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिहार झील। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? देखा जाए तो आपका तावा प्रोजेक्ट जो है आपका कृष्णा नदी है, यह आपका गलत है। बाकी आपका मिदनापुर सही है, यानी कंसावती नदी सही है। आपका मैथुर डैम आपका कावेरी नदी सही है। उकाई प्रोजेक्ट जो है आपका तापी नदी सही है। अगला, कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी दिया गया है, यानी चित्रंजन दास यहाँ पे सही हो जाएगा। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सभी से भिन्न है? तो ये आपका हो जाएगा इरमिंजर की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिटी के निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गेहूं एवं राई का।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य का यानी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो 23 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, तो 25 का जो उत्तर आपका हो जाएगा पायरिया जो है आपका कवक यही आपका गलत है, बाकी आपका हैजा जीवाणु सही है और ट्रोकोमा जो है आपका वायरस सही है, काला जार जो आपका प्रोटोजोआ यहाँ पे सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यय करने का मात्रक पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये कब किया गया था, तो इसका उत्तर आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णन करता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा अनुच्छेद 118। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच युगाना की राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा कोइनेम पड़ता है। अगला है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन को, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक सेकेंड, 32 देखना चाहिए था हमको, 32 नंबर। बोला गया कि सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, अकशेरुकी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्विड, यानी स्क्विड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गोलाकार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही की बात करें तो आपका केवल दो ही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है त्याग दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, गलत की अगर हम बात करें तो 35 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका गलत है, जो सही उसको हम देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासभा को विश्व लघु संसद भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है, रूस चीन तथा फ्रांस को कोई न्यास क्षेत्र नहीं दिया है या फिर नहीं है। अगला कि मेटा टार्सल्स नामक अस्थि शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तलवा। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, सफ़ेद सोना जो है आपका प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला कि शुष्क सेल में एनोड पर कौन सी धातु पाई जाती है, तो 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। 1802 की बसिन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया, तो सही की अगर हम बात करें तो 40 का उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधित विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है आपके यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है, तो 41 का उत्तर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या दिया गया है, डी दिया गया है, तो डी में आपका यहाँ पे बोला गया है सभी सही है, तो पढ़ लेते हैं सभी को हम एकदम अच्छे से। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में प्राप्त किया था, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में ही किया था। और चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको हम देख लेते हैं, वो रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभाव हुए थे। अगला क्या कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। अगला आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम 43 नंबर का देख ही लेते हैं, तो चंदावर का जो युद्ध है ये आपका 1194, तैमूर का जो आक्रमण है 1398, तालीकोटा का युद्ध आपको पता है 1565 और घाघरा का भी पता है 1529। अगला है कि लॉर्ड रेडिंग के काल में भारतीय छंटनी समिति का गठन हुआ था, इस समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था, तो 44 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है, तो 45 का उत्तर आपका हो जाएगा तारकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार वरीयता क्रम में कौन सा सही है, तो 46 का उत्तर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाकर उबालना चाहिए, तो 47 का उत्तर जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है कि सूची वन और सूची टू को मिलान करके बताना है। तो इसको 48 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है। तो ऑप्शन सी के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या दिया गया है देख लेते हैं। इसमें आपका दिया गया है 2, 1, 4, 3 मिला लेते हैं। मूल अधिकार जो है आपका हो जाएगा अमेरिका से। शासन के संसदीय प्रणाली आपका हो जाएगा यूके। आपात की उपबंध आपको पता है जर्मनी। राज्य के नेतृत्व तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका बोला गया कि इसका मिलान सही है, किसका मिलान सही है। तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। शिमला सम्मेलन जून 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। अगला कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये आपको किया गया था लियाकत अली के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। तो 51 का उत्तर आपका हो जाएगा शांति जो है आपका 23वां, यही आपका गलत है। जो आपका अरनाथ जो है आपका 18वां सही है। नामी जो आपका 21वां सही है। अरिष्ट नेमी जो है आपका 22वां सही है। अगला कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एसरसिकिया कोलाई हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा जब। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन के हिसाब से 53 का सी हो जाएगा। सी में आपका यहाँ पे दिया गया है 1 और 2, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर करके और स्वच्छता से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तब। किसी पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंचतंत्र में। नेक्स्ट के राष्ट्रकूट काल के एहोल अभिलेख कैलाश मंदिर यानी एलोरा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा। तो इसका उत्तर आपका 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट के मिलान कीजिए और भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी बताना है कंपनी और सहायक देश। तो 57 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन आपका ए दिया गया है। और ए में आपका 2, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है तो आप सब लोग इसको अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन 2 बार दिया गया है। ऐसे यहाँ पे देख पा रहेंगे 2, 2, 3, 4 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका जो प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट है कि बोला गया है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा समतल त्रिकोणीय का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य को चुने। तो 60 का उत्तर आपका हो जाएगा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955। एक वयस्क मानव के पास कितनी केनाइन दांत होते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 4, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। तो 62 का जो उत्तर है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार व बंगाल जो है आपका दाऊद खां हो जाएगा। कश्मीर यूसुफ याकूब खां हो जाएगा। सिंध जो है आपका जानी बेग हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल परियोजना भारत व नेपाल से संबंधित है। तो 63 का उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देना चाहिए था। तो टकनपुर हो जाएगा, पंचवेश्वर हो जाएगा, शारदा और संकोच हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे बोला कि कथन ए बोला कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो है जॉर्ज पश्चम और यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। तो 64 का जो उत्तर दिया गया है यह आपका हो जाएगा 1 और 2 सही दिया गया है। अगला है कि तरुण स्त्री सभा स्थापना की थी कहाँ में। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बोमन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो किस संघ का एक उदाहरण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी, नोकेरिया। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपका हो जाएगा किलायू। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर पड़ता है। तो देख लेते हैं कहाँ पर पड़ता है, बताइएगा। 69 का उत्तर आपका हो जाएगा वाराणसी में। मिलान करके बताना है आपको इसमें, तो चलिए देख लेते हैं हम इसको अच्छे से। 70 का आपका देखा जाए तो NW आपका जो यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 70 का देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा। वीडियो रोक के आप मिला सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो आपका जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपका मिलान करके बताना है 72 का, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। सामान्य लवण जो है आपका बोरिक क्लोराइड, अम्लीय लवण जो आपका हो जाएगा यानी सामने सामने आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि विजयनगर के लिए किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय प्रथम।
अगला कि राइडर कप गोल्ड टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है, तो इसका उत्तर हम देखें तो 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बनास, बनास इसमें आपका सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, तो उपधातु आपका कौन सा एक है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट किसमें है आपका, इसमें मिलान करके बताना है, तो 78 का देख लेते हैं इसमें आपका क्या दिया गया है, तो 78 का ऑप्शन आपका 3412 दिया गया है, 3412 3412 मिलान करते हैं। ओराव जो है आपका हो जाएगा झारखंड, खोंड आपका हो जाएगा उड़ीसा, चेंचू जो है आपका हो जाएगा केरला, और टोटिया जो है आपका हो जाएगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, अगला कि हरविलास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो ये जो रचना है याद रखिएगा सभी लोग बताइए, ये किया गया था आपका श्रीनाथ। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होता है, तो ये टीका आपका हो जाएगा एक्सरे में। नेक्स्ट हो के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, तो इसकी समिति का नाम था आपका जी वी के राव समिति। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट एक संविधान किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% समिति कर दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 91वां संशोधन। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं किया है या फिर नहीं है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका नहीं है। अगला कि विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में देखा जाए तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियक एसिड और प्रोटीन होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है या फिर क्या होती है, तो 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्षण रूपी होती है। यह आपका बोला कि इसमें का ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए समस्थानिक। अगला प्रश्न क्या है कि आरबीआई का नया लेखा वर्ष पूछा गया है, तो आरबीआई का आप सभी लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी जर्कोनियम, यानी जर्कोनियम हो जाएगा। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी का। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से कितना मात्रा में पेशाब करता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1.5 लीटर। आगे देख लेते हैं, अगला है कि संवेद सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा 30। इनमें से कौन सा विषाणु जनित होता है या फिर विषाणु जनित रोग पूछा गया है, तो खसरा हो जाएगा, विषाणु से यानी वायरस से होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कितने यानी किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करके बताना है, तो 96 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी सामने सामने आपका यहाँ पे हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बोला गया कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो ये आपका पहला पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा एथेंस। डॉल्फिन किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपेक का अर्थ पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। अगला कि ये सभी नस्ल है जो कि मेवाती, गंगातीरी, कंगायत, हरियाणी, ये सब आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका होता है आपका गाय का, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे सेट नंबर 5 देखेंगे, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन है, यानी 500 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये आपका 7 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, तो करीबन यानी 7 अप्रैल को ये आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, तीन चार दिन ही हुआ है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं फास्ट एकदम तगड़े तरीके से। रिविजन करते रहिए क्योंकि रिविजन आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है लास्ट में। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया, तो सही की बात करें तो आपका 1 और 2 सही दिया गया है। कराधान राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, सही है। वस्तु एवं सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, यह भी आपका सही है। तो आगे देखते हैं, सिख धर्म के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है, तो आपका हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जो है लवण का प्रचलन गुरु रामदास ने किया था, ये आपका गलत है। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था, सही है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, सही है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, यह भी आपका सही है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, तो ये आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। अगला है कि सुपर कंडक्टर पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध पूछा गया है,
तो ये आपका शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बेसाल्ट पेगमाटाइट, डायोराइट, ये सब किस प्रकार के चट्टान हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करें तो आपका 1, 2, 3 सही है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का चर्चा है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। संविधान यानी भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अगला क्या है कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान होता है, अंतः इसमें एक लेंस निकाय है। लेंस यानी नेत्र लेंस क्या बनाता है? ये आपका देखा है तो दृष्टि पटल पर पिंड पर प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला है मिलान करके बताना है कौन सा गलत है, कंपनी आगमन वर्ष दिया गया है। तो आठवें का उत्तर आपका पहला ही गलत है, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 सही दिया गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 सही दिया गया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका 1498 सही दिया गया है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्रों में शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लास्ट में। अगला है कि निम्न में से कौन कथन समसूत्री विभाजन के संबंध में गलत है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती, यही आपका गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से सामान्यतः मूल उद्देश्यों की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका देखा जाए तो लघु वाहन उद्योग ये आपका नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से सही कथन का चयन करके बताएं। तो 12 का उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए वांडीवास की लड़ाई जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी नामक गांव को शेर खां लोदी से प्राप्त किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए बताइएगा। 13 का उत्तर आपका हो जाएगा केवल एक संघ द्वारा लाए जाते हैं, यानी भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देन दरों पर कर के बारे में पूछा गया था, संघ द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो सही की बात करें तो केवल एक ही हो जाएगा, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह जल से आता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है? तो 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 16 का देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे कथन सही दिया गया है। तो 16 का आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए मेसॉन न्यूक्लियन को बांधे रहने के कार्य करता है। न्यूट्रॉनों की खोज जो है पाउली ने किया था, मेसॉन की खोज जो है युकावा ने किया था। 17 का क्या है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक की बात करें तो 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन नियुक्त किए जाते हैं? तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करें तो 1, 2, 3 हो जाएगा। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा को इंचार्ज कार्यनिवालिस ने बताया था सही है। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सौर ने बनाया था। कार्यनिवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला है बोला गया है कि विटामिन पूछा गया है, रासायनिक नाम पूछा गया है। तो 20 की बात करें तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। विटामिन B2 की बात करें तो ये आपका राइबोफ्लाविन, B6 की बात करें तो आपका पाइराडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन डी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कैल्सिफेरॉल। विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा फिलोक्विलिन हो जाएगा। आगे क्या है कि गोल क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? गोल क्रांति याद रखिएगा आलू उत्पादन। अगला है किसका मिलान गलत है, कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला है यानी ऑप्शन बी गलत है। देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन है रास बिहारी बोस सही है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन जो आपका विश्व नारायण गढ़ सही है। 1912 बांकीपुर आपका RN माधोलपुर सही है आपका। यहाँ पर बोला गया कि पारसेक मात्रक है किसका? देखिए पारसेक की अगर हम बात करें तो 23 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा दूरी का। प्रकाश विकिरण की प्रकृति पूछी गई है तो तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला कि चक्रवात कब होता है? देखिए चक्रवात की बात करें तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तभी आपका चक्रवात होता है। मिलान करके बताना है तो देख लेते हैं, इधर आपका दिया गया है साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका बी आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो आपका पट्टाभि सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉर फॉर फ्रीड जो आपका दिया गया है एनी बेसेंट। इंडिया टुडे आपका हो जाएगा दूसरे में दिया गया है। 1857 जो है ये आपका हो जाएगा तीसरे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह की बात करें 27 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन से संयोज करता है।
अगला कि सिरका होता है, सिरका की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 29 का उत्तर आपका हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो 30 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा किया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया कि शैली बीज सागर जहाँ पर है वह पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए दोनों वक्तव्य पर विचार कीजिए, इनमें से एक को पहचान करके बताइए। बोल रहा है कि कहा गया है कि दूसरे को कारण के हिसाब से आपका पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका। 34 का ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया, ये गलत है लेकिन आर सही है। बोला गया सुमेलित करके बताना है, तो चलिए इसको अच्छे से मिलान कर लेते हैं। 35 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह नियम जो है आपका हो जाएगा, यानी सभी आपका यहाँ पे सामने सामने है, तो आराम से आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके मिलान कर लीजिएगा। ब्रेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच हो जाएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पुना के पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान एम तथा संवेग पी है, इसकी गतिज ऊर्जा होगा, तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा P2/2m। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो m सेल में मौजूद कर सकता है या फिर मौजूद रह सकती है, 38 का आपका हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया अनिषेकजनक होता है, तो 39 का आपका हो जाएगा बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कास्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है, कौन इसमें आपका गलत है, तो चलिए बताइए। 40 का उत्तर आपका हो जाएगा वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते, यानी ऑप्शन जो है 40 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है, तो 41 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी जो है आपका 42 का देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो 43 का देखा जाए तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ऊपर नीचे दिया गया है, तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से आप मिलान कर लीजिएगा। मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और समावस्था को नियंत्रित करता है, तो 44 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा सेरेबेलम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है, तो 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलित्जर पुरस्कार जो है धर्म में प्रगति यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली चार भाषाओं का अवरोही क्रम देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश। नेक्स्ट है कि बोला गया उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं, तो जारी किए जाते हैं तो ये आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, और अभिलेख में अप्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। अगला कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो यह आपका हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो आपको पता ही होगा आपका मिर्जा गालिब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वलय क्रिया किसका परिणाम है, तो ये देखा जाए तो आपका पर्वत निर्माणकारी बल का है। अगला कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रयुक्त कच्चा माल क्या थे, तो 51 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो विटामिन ए का देखा जाए तो आपका हो जाएगा 52 का उत्तर आपका यहाँ पे दिया गया है आम आंसर दिया गया है। कमेंट करके बताइएगा कि आम सही कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही की बात करें तो आपका 53 का देखा जाए तो क्या दिया गया है देख लेते हैं,
53 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारक नहीं था। तो 54 का उत्तर आपका हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य औद्योगिक प्रयोग। नेक्स्ट है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा बी और सी यानी फुटबॉल और हॉकी से। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था, आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका बीबी जैला। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म जो है आपका हुआ था पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम से प्रकाश का वेग पूछा गया, तो 58 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। अगला कि एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। श्रीलंका की मृदा का नाम पूछा गया है मृदा, तो 60 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रूपी। नेक्स्ट है कि प्राइड एंड प्रिजिस इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आस्टिन। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा चीनी। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है, तो 63 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। अगला क्या है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 9। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर, यूएनए का, तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमीटर। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया, तो आपको पता ही होगा 67 का उत्तर आपका हो जाएगा बांदी वन्यजीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आगे देख लेते हैं कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा शुल्क। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे, तो यह आपका देखा जाए तो मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत नेपाल भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, तो यह आपका हो जाएगा सिक्किम। अगर स्वतत्व यानी गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने किया था, तो यह आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो भारत पर आक्रमण किया था आपका ऑप्शन बी अरबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरता है, तो यह आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन पूछा गया है, तो आप सभी को पता ही होगा आपका हो जाएगा 75 का क्या होगा बताइएगा, भगवान महावीर का पूछा गया है, यानी महावीर का यहाँ पे आंसर बता रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो यह आपका हो जाएगा अरावली। हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था, ये जो कहा था हिंगल ने कहा था। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी पेरिफेरा हो जाएगा। अगला है, बोला गया कि पेलियंटोलॉजी का अध्ययन देखा जाए, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्मों का। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सेब के फल में लाली का कारण पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा एंथोसाइनिन। ये आपका बोला कथन ए, विटामिन बी12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण आर, बोला कि विटामिन बी12 जल में विलेय है, तो ऑप्शन के हिसाब से 82 का जो उत्तर यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, तो 83 का उत्तर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बाकी राजदूत होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। अग्न्याशय के पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ये आपका हो जाएगा सिक्रेटिन। अगला है कि रूलेट रूपांतरित रूप पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सैलो का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है, तो 86 का हो जाएगा आपका सिबाजोल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दिया गया है, अंत में दिए गए कोर्ट का प्रयोग करके आपको क्रमानुसार के हिसाब से आपको बताना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 88 का देखा जाए, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1423। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कि वेलू थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरला में। दिल्ली में पुराना किला के सामने
खैरुल मंजिला नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था आपका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, माहम अनगा। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? तो ये आपका स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 78 AD में। ये आपका बोला गया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र, न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। और आर बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन आपका क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे बोला गया है 93 का ऑप्शन बी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समुष्टि आवश्यक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया 1, 2, 3, यानी संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और सर्वोच्च संशोधन का प्रक्रिया। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्गम क्षेत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे नदी दिया गया है। तो देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपका कावेरी बेरीनाग जो है आपका हो जाएगा, यानी सब सामने सामने दिया गया, तो आराम से इसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपवर्धन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ये आपका हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी उत्तर, यानी उत्तर प्रदेश तराई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पानागुड़ी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा केवल एक, यानी श्री सेलम जो है आपका अन्नामलाई, यही आपका सही है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका 5 सेट कंप्लीट कर दिया है और 500 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है? थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा है और फास्ट पढ़ने में कहीं गलती भी बहुत हो गया है, तो आप सभी लोग इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अगर आप सभी लोग ऐसे ही आपको मास्टर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।